भिवंडी में इन दिनों चोरी की वारदात में इजाफा होता जा रहा है, यहाँ तक के अब लोग कुर्बानी के जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ईद कुर्बान अनकरीब है और ऐसे में दूर दराज से लोग बकरा फरोख्त करने के लिए भिवंडी आते हैं और चोरी करने वालों की चांदी हो जाती है, मगर अब ऐसा करना चोरों पर भारी पड़ सकता है। जहां चोरी करने वालों की नज़र बकरों पर होती है, वहीं चोरों पर नज़र रखने वाले सीसी कैमरे के साथ साथ वहां चप्पे चप्पे पर मौजूद है। ऐसा ही एक बकरा चोर नज़र रखने वालों की गिरफ्त में आ गया, जिसे चोरी हुए बकरे की भरपाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बोल भाई तेरा नाम बोल। नहीं और कहाँ रहता है तू? मैं गांव से आया। कौन सा गांव तेरा? प्रतापगढ़। तेरे साथ में चोर कौन था? सलमान। कहाँ रहता है वो? फातिमा नगर में। कितने बकरे अभी तक चुराए? अब मालूम नहीं, मैं दो मेरे को ला के दिया था बोले। और अच्छा, कितने में बेचा वो? बेचा नहीं। तो कहाँ है वो बकरा? जिसका था आया लेके। किसका था वो बकरा? बेचने वाला मालिक है। अच्छा, बेचने वाला मालिक था। कितने दिन से चुरा रहे ये तुम लोग? नहीं भाई, कल के दिन लाया था। अभी तेरे पास से चाकू निकला, वो चाकू काहे के लिए रखा था तूने? चाकू दे। चाकू काहे के लिए रखा? चाकू एक मिनट, पीछे दिखाई। पानी पिलाएंगे, लेकिन तेरे पास चाकू काहे के लिए था वो? अभी और नहीं दिखे। झूठ बोलेगा बहन चोद, कोई गिफ्ट दिया तो? चाकू काहे के लिए रखा था तूने? मेरे को बोला था चाकू चाहिए। काहे के लिए? लेके घर से लेके आया। चाकू क्यों लाया था तूने? मालूम नहीं भाई काहे के। अच्छा, तो तूने अपने जेब में, तूने अपने पैर के पास छुपा के रखा था ना उसको? तो क्यों रखा था? देने गया था मैं अभी। ये ब्लेड काहे के लिए रखा था? ये ब्लेड सुबह में खरीदा था दाढ़ी बनाने के लिए। कितनी ब्लेड खरीदा था दाढ़ी बनाने के लिए? 6 ब्लेड से दाढ़ी बनाता है? तो कितनी ब्लेड से ब्लेड दाढ़ी बनाता है? तो 6 ब्लेड क्या करने रखा था तू? देने के लिए रखा था। और इससे पहले भी तू जेल में गया था? अभी तेरे को निजामपुरा वाले उठाए थे? गया था ना तू? ये सुबह मालूम बकरा बेच रहा था भाई, इतने बकरा का रेट भी लगा। अब तेरे को यहाँ से अगर छोड़ा जाए तो तू कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? गाँव भाग जाऊंगा। कौन सा गाँव जाएगा? और फिर यहाँ नजर आए तो मार के फेंक।